नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार है जो आने ही वाला है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रक्षाबंधन की तारीख, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में कि किस विधि के साथ आपको अपने भाई को राखी बांधनी है ताकि आपको उसका शुभ फल मिले। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि राखी बांधवाते समय भाई को किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए और बहनों को किस दिशा की ओर मुख करके राखी बांधनी चाहिए ताकि आपको भाई बहन के इस अटूट प्यार के त्योहार को मनाने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इन चीजों की जो आम तौर पर आप सभी के सवाल होते हैं। सबसे पहले तो ये जान ले, भद्र काल में भी पूजन किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर आप सावन सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो वो भी आपको इस दिन करना चाहिए। अगर संभव हो तो बहने जो राखी बांधने वाली है उन्हें भी व्रत करना चाहिए, यानी राखी बांधने के पहले फलहार चाहे तो ले सकती है और राखी बांधने के बाद ही उन्हें भोजन करना चाहिए। वैसे चाहे तो वो पहले भी भोजन कर सकती हैं, लेकिन अगर वो रक्षाबंधन व्रत करेंगी तो इसका परिणाम ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए प्रयास करें, एक समय भोजन करें और रक्षाबंधन का महापर्व बनाएं और भोजन राखी बांधने के बाद ही करें। इस दिन आपको भोजन निर्माण में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है अगर आप भोजन बनाते हैं, क्योंकि सावन का सोमवार है और रक्षाबंधन भी है, यानी कि सावन की पूर्णिमा है। तो सात्विक भोजन आपको बनाना है अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपको लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस दिन आपको लहसुन प्याज से दूरी बना करके रखनी चाहिए और भोजन में मांस मदिरा का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। भोजन के रूप में आप चाहे तो खीर पूरी बनाएं या खीर पूरी हलवा बनाएं या दाल चावल पूरी बनाएं, दाल रोटी भी आप बना सकते हैं। कोई ना कोई मिठाई तो साथ में आपको जरूर बनानी चाहिए, चाहे थोड़ा सा हलवा बना लें या खीर या कोई भी मीठा आप बनाएं। रक्षाबंधन के मुहूर्त की अगर बात करें तो रक्षाबंधन का त्योहार इस साल 3 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि मुहूर्त क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और कौन नहीं चाहता कि भोले भंडारी की कृपा उसे प्राप्त हो। तो अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। और दोस्तों भोलेनाथ के लिए क्लाइक तो जरूर बनता है, जय महाकाल जय भोलेनाथ। बहनें बहुत ही चिंतित रहती है कि कौन से मुहूर्त के अंदर राखी बांधी जानी चाहिए ताकि राखी बांधने का उन्हें अच्छा फल प्राप्त हो और पूरा साल अच्छा परिणाम मिले और भाई के जीवन के अंदर समय अच्छा देखने को मिले। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों इस बार रक्षाबंधन के दिन 3 मुहूर्त सामने आ रहे हैं। सुबह रक्षाबंधन के दिन 9:28 से लेकर रात के 9:14 तक आप राखी आराम से बांध सकते हैं, बहुत ही अच्छा रक्षाबंधन के दिन अनुष्ठान का समय है। अगर दोपहर के समय की बात करें तो दोपहर का समय कौन सा अच्छा रहेगा, तो आपको बता दें कि 1:46 से लेकर 4:26 तक का समय बहुत ही अच्छा योग है दोपहर का। इस काल के अंदर आपको राखी अगर भाई को बांधनी है तो बहुत ही शुभ फल इसका मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भाई को जब राखी बांधे तो आपको इसका संपूर्ण सुख वाला मुहूर्त प्राप्त हो, प्रदोष काल हो इस समय, और प्रदोष काल के अंदर आप राखी बांधना चाहते हैं तो आपके लिए शाम का समय बहुत ही सही रहेगा। शाम का मुहूर्त है 7:06 से लेकर 9:14 का समय प्रदोष काल का मुहूर्त होगा। आप इनमें से कोई भी एक मुहूर्त अपने हिसाब से चयन करके राखी बांध सकते हैं, इस दिन ऐसा मुहूर्त रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी। तो आपको बता दें कि 2 अगस्त को रात को 9:28 से लेकर के पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और 3 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन रात को 9:27 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी और आप इस समय तक राखी आराम से बांध सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आपको किस विधि से राखी बांधनी चाहिए ताकि आपको इसका संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो और आपको राखी बांधने का भाई की कलाई पर जो सौभाग्य मिला है उसे आप किस प्रकार से पूरा करें। तो आपको करना क्या है कि बहन और भाई सुबह रक्षाबंधन के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ स्वच्छ कपड़े पहनें, क्योंकि इस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनने का एक अलग ही महत्व है और इस त्योहार को अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मनाना चाहिए। इसके बाद अपने घर की साफ सफाई रखें, चावल रोली राखी मिठाई से पूजा की थाली को तैयार करके दीप जलाएं, थाली के अंदर इस दीप को रखें। इसके बाद भाई को बिठाइए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि राखी भाई को बिठाकर ही बांधे, उसे खड़ा होकर के राखी ना बांधे। भाई को बिठाएं, रक्षा सूत्र बांधते समय भाई का मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इस तरह से आप भाई को बिठाएं।
और जो बहन है उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए भाई को तिलक करते समय, तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद भाई को टीका लगाकर यानी तिलक करके दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधनी चाहिए, और राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारे, फिर उसे मिठाई खिलाएं। अगर बहन बड़ी है तो भाई को बहन का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन अगर बहन छोटी है और भाई बड़ा है तो ऐसे में राखी बांधने के बाद बहन को भाई को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे से फल की पूरी तरह प्राप्ति हो। दोस्तों इसके साथ ही एक विशेष मंत्र है जो कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय बोला जाता है ताकि उसका शुभ फल आपको मिले, तो इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है राखी बांधते समय। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम येन बधो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबल है तेन त्वं भी वंधामी रक्षे माचल माचल है। राखी बांधते समय बहने इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपके भाई को संपूर्ण रक्षा प्राप्त होगी। वैसे तो ये रक्षा सूत्र मंत्र ब्राह्मण और पुरोहित अपने यजमान के लिए बोलते हैं, लेकिन आप रक्षाबंधन के दिन अगर अपने भाई के लिए ये मंत्र बहने अगर बोले रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय, तो इससे भाई की आयु भी लंबी होगी और उसके जीवन में उसकी हर मुसीबत से भगवान रक्षा करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।